हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 21। तो हमें सब्स्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शंस की। तो देखो, पहला क्वेश्चन है 5/7 -1/7। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपल जो न्यूमरेटर है उससे हमें क्या करनी है, सब्स्ट्रैक्ट करना है। तो 5 -1 कितना हो जाएगा, 4/7। तो करेक्ट आंसर इज 4/7। अभी नेक्स्ट है 5/8 -3/8। तो 5 -3 कितना होता है, 2। तो आंसर इज 2/8। नेक्स्ट 7/9 -2/9। तो 7 -2 कितना हो जाएगा, 5/9। नेक्स्ट है 10/11 -5/11। तो 8/11 -5/11। तो 8 -5 कितना हो जाएगा, 3। तो 3/11 इज द आंसर। नेक्स्ट 9/13 -4/13। तो 9 -4 कितना हो जाएगा, 5। सो 5/13 इज द आंसर। नेक्स्ट 7/10 -3/10। तो 7 -3 कितना होता है, 4। तो 4/10 इज द आंसर। नेक्स्ट 9/12 -2/12। तो 9 -2, तो आंसर हो जाएगा 7/12। नेक्स्ट 10/15 -3/15। तो 10 -3 कितना होता है, 7। तो 7/15 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 7/10 ऑफ अ वॉल इज टू बी पेंटेड। ओके, रामू हैज पेंटेड 410 ऑफ इट, हाउ मच मोर नीड्स टू बी पेंटेड। तो देखो, टू बी पेंटेड माइनस पेंटेड, टू बी पेंटेड कितना है, 7/10, और रामू हैज पेंटेड 4/10, तो -4/10 हो गया। तो 7 -4/10 तो कितना हो जाएगा, 3/10 आंसर। सो 3/10 मोर नीड्स टू बी पेंटेड। तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉब्लम सेट 21 कंप्लीट कर लिया है। अगले सेक्शन में हम प्रॉब्लम सेट 22 देखेंगे। थैंक यू।